Hello everyone, so very good morning all of you and welcome to the platform of UnAcademy and welcome to the session of the Lukewarm Water Series of Chemical Technology and today we are going to discuss about the lecture number 10. तो अभी तक हम जो डिस्कशन अपना कर चुके थे लुकवार्म वाटर सीरीज के अंदर, वहाँ पर हम लोगों ने इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के बेसिक जो पैरामीटर्स थे उनका डिस्कशन कर लिया था, क्लोरीन इंडस्ट्री के बारे में, फिर नॉर्मली आपका सल्फर प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके थे। आज बात करने वाले हैं, गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के केमिकल टेक्नोलॉजी के लुकवार्म वाटर सीरीज के अंदर। चलो तो अपने बात करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ सुमित प्रजापति, फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग in the UnAcademy platform and having more than 5+ year teaching experience in the field of GATE and having 10+ year teaching experience in the field of chemical engineering and I will cover your chemical technology, mechanical operation for mechanics and IPC subject में आपके cover करूँगा in the plus as well as in the YouTube platform। और अगर आप plus की तरफ move करते हैं तो आप मेरे code SKP100 के साथ move कर सकते हैं, एक real time feeling के लिए और एक ultimate आपके लिए knowledge के लिए, ठीक है। तो आज हम जो discussion करने वाले हैं fertilizers के बारे में, तो ये particularly section जो fertilizer का है, तो अभी आप कोई भी exam अगर देने जाएंगे, चाहे वो फर्टिलाइजर का एग्जाम हो या फिर कोई भी आपका अदर देन पीएसयू एग्जाम हो या फिर आपका अदर देन गेट एग्जाम हो, ठीक है ना। तो सभी में आपका फर्टिलाइजर का सेक्शन आपका डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस जो राइज होते हैं हम लोग उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजर का हम बात करते हैं। तो फर्टिलाइजर जनरली हम डिसाइड करते हैं कौन का, तीन कैटेगरी के बारे में, एनपीके फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन बेस्ड, फास्फोरस बेस्ड और पोटास बेस्ड फर्टिलाइजर की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर के बारे में, तो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का सबसे बेसिक जो कंपोनेंट है दैट इज द अमोनिया। अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल जो एक टेक्निक है दैट इज द हैबर-बॉश प्रोसेस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आपका है ना ये 1:3 के रेशियो में आपका अवेलेबल होता है और ये पर्टिकुलरली अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या रूट क्या मेथड होता है उसको जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है वो होता है डिसल्फराइजेशन। ये एक्चुअली में क्या होता है, अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए जो आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए वो चाहिए होता है आपको नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का स्टीम रिफॉर्मिंग रिएक्शन करने हैं, तो रिफॉर्मिंग रिएक्शन करने से पहले हमें क्या करना होता है, नेचुरल गैस से जो सल्फर कंपाउंड उनको रिमूव करना होता है। तो डिसल्फाइशन रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं सल्फर को रिमूव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट, तो वहां से सल्फर आपका रिमूव होता है। सेकेंडली क्या करते हैं उस नेचुरल गैस को पास करते हैं प्राइमरी रिफॉर्मर के अंदर, जहां पर अपना मेन एम है क्या हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ प्राइमरी आपका नेचुरल गैस से हमारे पास हाइड्रोजन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं दैट इज द बेसिकली निकल बेस्ड कैटलिस्ट। और यहाँ से निकलने के बाद जो आपका मिक्सचर निकलता है वो मिक्सचर आपका ना प्योर आपका हाइड्रोजन ना होकर के वो सिंथेसिस गैस का मिक्सचर होता है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है। हम उसको क्या करते हैं उस मिक्सचर को सेकेंडरी रिफॉर्मर पास करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है उस मिक्सचर में हमें क्या करना होता है एयर सप्लाई करके हम नाइट्रोजन ऐड करते हैं। अब वहाँ पर होगा क्या कि नाइट्रोजन में अवेलेबल CO2 और CO और आपका यहाँ पर सिंथेसिस गैस में अवेलेबल जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको फर्दर क्या करते हैं कार्बन ऑक्साइड रिमूवल सेक्शन में पास करते हैं। तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्टर और लो टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्टर जो कि आपके नॉर्मली क्या है दैट आर बेसिकली द रिएक्टर्स जो कि आपके एक्सोथर्मिक बेसिस पर काम करते हैं, और वहाँ पर आपका क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 जो है ना वो मैक्सिमम आपकी रिकवर करके और उनको सेपरेट करना होता है। और हाइड्रोजन का यील्ड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं HTSR हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्टर का यूज करते हैं, जहाँ पर आयरन बेस्ड कैटलिस्ट, आयरन ऑक्साइड या फिर आपका क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट का हम लोग यूज करते हैं इन दोनों के अंदर। और ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं अपना अमोनिया प्लांट में अवेलेबल जो यूकेरसॉल प्रोसेस या फिर आपका मेथनेशन प्रोसेस। अगर यूकेरसॉल से यूकेरसॉल में क्या होता है आपका जो CO2 या CO है वो आपका एब्जॉर्ब होता है, यूकेरसॉल आपका मटेरियल होता है। अगर वहां से आपका 100% अगर रिमूवल नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 क्या करते हैं मेथेन में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसी मेथेन को दोबारा से क्या करेंगे प्राइमरी रिफॉर्मर पास करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 है वो रिमूव हो जाती है। फिर अपने पास में क्या है कंप्लीट जो आपका अमोनिया सिंथेसिस रिएक्टर जो है जहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोजन को हम लोग पास करते हैं, ठीक है ना। तो 1:3 के रेशियो में आपका मोलर रेशियो रखा जाता है और वहाँ पर जब हम पास करते हैं तो वहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट होता है दैट इज द आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट का हम लोग यूज करते हैं, आयरन बेस्ड कैटलिस्ट का, और एल्युमिनियम ऑक्साइड एज अ प्रमोटर आपका यूज किया जाता है। तो उस कंप्लीट पर्टिकुलर रिएक्टर के अंदर रिएक्शन क्या होती है एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। तो वहाँ पर टेम्परेचर जो फेवरेबल टेम्परेचर है आपकी रिएक्शन के लिए दैट इज द लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर आपका फेवर करता है। और दूसरा क्या है आपका हाई प्रेशर आपका क्या है नंबर ऑफ मोल्स या कन्वर्जन को क्या करता है सपोर्ट करता है। सो द लो टेम्परेचर हाई प्रेशर आपका अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं एंड द प्रेशर इज यूज्ड एट द 20 मेगापास्कल प्रेशर हम लोग एटलीस्ट यहाँ पर यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। और वहाँ से निकलने वाला जो आपका अमोनिया होता है उस अमोनिया का कन्वर्जन आपका लो होता है, तो उसको क्या करते हैं वहाँ जो अनकन्वर्टेड आपका नाइट्रोजन या हाइड्रोजन होता है उनको दोबारा से रिसाइकिल कर देते हैं। और जो कन्वर्टेड अमोनिया होता है आपको उस अमोनिया को हम लोग क्या करते हैं विद द ओरिजिनल या रॉ आपके पास में जो फीड होता है उसके साथ में उसको कूल किया जाता है और कूल करने के बाद उसको फ्रीजिंग के थ्रू फिर से हम लोग क्या करते हैं लिक्विफाई करते हैं और लिक्विफाई करके उसको स्टोर करते हैं हाई प्रेशर में। हाई प्रेशर में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंप्रूव होता है, जिससे क्या होता है आपका सेफली अमोनिया जो है ना स्टोर फॉर्म में रखा रहता है, लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके अमोनिया को रखते हैं। इसी अमोनिया को फर्दर क्या करेंगे, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज करेंगे। अब अगर बात करते हैं सेकंड जो ग्रेड आती है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की, दैट इज द अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 25 से 35% तक आपका नाइट्रोजन कंटेंट होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट के दो ग्रेड आपके पास अवेलेबल होती है। फर्स्ट ग्रेड होती है अमोनियम नाइट्रेट लाइमस्टोन और सेकंड ग्रेड आपके पास में होती है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको कैन बोला जाता है। पहले ग्रेड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास में 3 स्टेप के अंदर ANL अमोनियम नाइट्रेट लाइमस्टोन आपका कंप्लीट होता है। तो पहला जो स्टेप होता है न्यूट्रलाइजेशन, वहां पर क्या करते हैं अमोनिया के साथ में क्या करते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसका कंसंट्रेशन 55% तक होता है, उसकी रिएक्शन अगर कराते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है अमोनियम नाइट्रेट जो आपका होता है उसका फॉर्मेशन होता है। अब वहां पर जो अवेलेबल जो आपके पास में है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि एसिड के प्रेजेंस में क्या करते हैं जो आपके पास में अमोनिया जो है ना उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या करते हैं हमारे पास जो अवेलेबल जो पूरा का पूरा आपका अमोनियम नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं एवपोरेट करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट करने के बाद उसमें फिलर्स के फॉर्म में क्या करते हैं लाइमस्टोन, डोलोमाइट या कॉलिन का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है अमोनियम नाइट्रेट लाइमस्टोन सबसे कॉमन है। तो इसका प्रोडक्शन हम लोग करते हैं फिलर्स को ऐड करने के बाद, ठीक है। सेकंड ग्रेड में आते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट 20 से 30% और अमोनियम नाइट्रेट 70 से 80%, इन दोनों का मिक्सचर जो आपका होता है वो कहलाता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसको बनाने में सिंपली क्या करते हैं जो कंसनट्रेटेड अमोनियम नाइट्रेट जो है उसको मिक्स करते हैं सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, जहाँ से आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ना ये आपका प्रोड्यूस होता है। मैक्सिमम टाइप आपका किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है, तो आपको सीधे आंसर देना 25 से 35% की रेंज में नाइट्रोजन कंटेंट होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के सबसे जो मेजर ग्रेड आती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। यूरिया के अंदर जो आपका नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो आपका ऑलमोस्ट 46% तक नाइट्रोजन कंटेंट होता है, ठीक है ना। और यूरिया के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास रिक्वायर्ड क्या होता है जो अमोनिया हमने बनाई थी, दूसरा हमें आपका जो एयर सेपरेशन यूनिट होती है वहाँ से क्या करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको सेपरेट करके निकालते हैं, या फिर CO2 जो हमने यूकेसॉल प्रोसेस के थ्रू रिमूव की थी, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है दैट इज द अमोनियम कार्बामेट। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन आपकी होती है, रिएक्शन क्या होती है एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, सो रिएक्शन का रेट जो होता है वो फास्ट होता है। और दूसरा क्या होता है ये रिएक्शन कंप्लीट नेचर की होती है, मतलब ये आपका यहाँ पर कन्वर्जन एक तरह से 100% मिलता है। अब अमोनियम कार्बामेट जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं उसको फर्दर हम लोग करते हैं उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है हमें यूरिया मिलता है और वाटर मिलता है। तो सेकंड रिएक्शन का आपका रेट जो है स्लो है इसलिए वो एंडोथर्मिक नेचर की है, और वहां पर आपका क्या है कन्वर्जन जो है ना यूरिया में वो 100% नहीं मिलता है। पहले स्टेप में मतलब पहली बार में 28% तक आपको यूरिया मिलता है, बाकी अनकन्वर्टेड आपका अमोनियम कार्बामेट, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपको ये मिलता है। इनको हम लोग क्या करते हैं दोबारा से रिसाइकिल कर देते हैं, ठीक है ना, और इस तरह से बार बार रिसाइकिल करके अपना कन्वर्जन जो है ना हम लोग ईल्ड जो है ना प्रोडक्ट का वो बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर अवेलेबल जो वाटर है इस वाटर को क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें क्या करना है इस रिएक्शन का अगर कन्वर्जन बढ़ाना है तो कन्वर्जन बढ़ाने का सबसे तरीका क्या है अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देते हैं बिकॉज दिस स्टेप इज द एंडोथर्मिक स्टेप। तो अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देते हैं या फिर अमोनिया और CO2 का जो मोलर रेशियो है इस मोलर रेशियो अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो भी आपका क्या कन्वर्जन बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपके पास अवेलेबल वाटर है तो वाटर को क्या करना पड़ेगा उस वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं उसको कंसंट्रेट करते हैं। तो कंसंट्रेट करने के लिए क्या करेंगे उसको फ्लैश ऑपरेटर, फ्लैश ड्रम और वैक्यूम ऑपरेटर से हम लोग पास करते हैं, जिसमें आपका जो यूरिया होता है वो मोल्टन फॉर्म में यूरिया हमको मिलता है। उस मोल्टन यूरिया को हम लोग क्या करते हैं तो ग्रेनुलेशन या प्रिलिंग टावर में पास करते हैं, जहां से हमें जो ग्रेनुल्स प्रिल्स के फॉर्म में यूरिया मिलता है, ठीक है ना। तो करंट टाइम में प्रिलिंग टावर का यूज कम कर दिया गया बिकॉज वहां पर आपका वेस्टेज ज्यादा निकलता था, ठीक है। तो अभी हम लोग करंट टाइम में केवल ग्रेनुलेशन का यूज करते हैं, जहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करते हैं बाइंड करके पार्टिकल का क्या करते हैं साइज बड़ा करते हैं, दैट इज द ग्रेनुलेशन, ठीक है। ये था नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। फास्फोरस की अगर बात करते हैं फास्फोरस के अंदर दो ग्रेड आती है सिंगल सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो फास्फोरस कंपाउंड जो होता है जिसको आपका फास्फोरस का एडिटिव जो आपका क्या करता है सॉइल को फास्फोरस कंटेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज द फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इसका जो कंटेंट होता है SSP के अंदर वो आपका होता है 16 से 22% तक, और इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉस्फेट रॉक और जो डाइल्यूट फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड होता है 68 से 75% कंसंट्रेशन का, इसके थ्रू हमें क्या मिलता है सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलता है। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में जो फास्फोरस कंटेंट होता है कितना होता है 44 से 51% तक, ये आपका फॉस्फोरस रिच आपका फर्टिलाइजर होता है। और इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं जो फॉस्फेट रॉक होता है वो 100 मेस साइज हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास जो फॉस्फेट रॉक होता है पाउडर फॉर्म में 100 मेस के साइज में हम लोग यूज करते हैं। तो पाउडर्ड और लिक्विड का एक क्या करते हैं स्लरी का बेसिकली फॉर्मेशन होता है, उसको ड्राई करके क्या करते हैं उसको ग्रेनुल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये मेन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अवेलेबल जो फॉस्फोरिक एसिड होता है इसमें 52% तक क्या होता है आपका फॉस्फोरस कंटेंट होता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कंटेंट होता है, इसीलिए आपका फॉस्फोरस रिच आपका क्या होता है फर्टिलाइजर होता है। तो ये पूरा का पूरा एक आपका आज ओवरव्यू था क्या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में, जो कि बेसिकली आपसे पूछा जाता है गेट या फिर किसी एग्जाम में। तो इसको आप अच्छे से शॉर्ट नोट बना कर प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और जितना भी कंटेंट अभी आपने देखा, इसमें से कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इनसफिशिएंट था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, और कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है ना, अपनी जो फीलिंग है उसको शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। मॉर्निंग में आप लोग के लिए जो प्रैक्टिस क्लास में लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्लास मिस मत किया करो। डेली मॉर्निंग में ये क्लास में लेकर के चल रहा हूँ। और दूसरा ये है कि आज इवनिंग में आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले डायमेंशन एनालिसिस, जिसका लेक्चर नंबर 1 होगा और मॉड्यूल नंबर 8। तो इसमें आपके प्लस और यूट्यूब सभी स्टूडेंट जो है ना वो ज्वाइन करने वाले रहेंगे। और दूसरा, अगर आप बेटा ज्वाइन करते हैं ना, ठीक है ना, प्लस की तरफ, तो अभी आपके पास में एक बेस्ट ऑफर चल रहा है 12+2 या 24+4 मंथ का। इनमें से कोई भी ऑफर आप चूज कर सकते हैं मेरे कोड के थ्रू, SKP 100 के थ्रू, ठीक है ना, जहां से आपको डेफिनेटली जो है ना बेनिफिट मिलने वाला है मेरे कोड के थ्रू। और अगर आपको कोई भी कंटेंट अगर आज इस लेक्चर में इंप्रोप्रिएट लगता है तो आप उसके लिए रिपोर्ट भी कर सकते हैं बग्स बाउंड्री प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। कोई भी स्पेशल क्लास बेटा जो होता है ना, इसको मिस मत किया करिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर आपको इंटरेक्टिव फॉर्म में लाइव क्लास, पोल्स के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस और आपके पास जो नोटिफिकेशन आते हैं उससे लेक्चर आपको कभी मिस नहीं होता है। PDF फॉर्म में आपको लेक्चर के नोट्स मिल जाते हैं और क्लास को आप कहीं से भी एंजॉय कर सकते हैं। सारे फीचर्स आपको मिलते हैं स्पेशल क्लास के अंदर। और अगर आप मैं बात करता हूँ कि अगर आप प्लस की तरफ मूव करने वाले हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा कोड SKP 100, और करंट टाइम में भी जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है CT, जो कि मैं ऑलरेडी आपका प्लस में फिनिश कर चुका हूँ। तो अगर आप प्लस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना, हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए, तो मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हैं SKP 100, ठीक है। और अगर आप प्लस की तरफ मूव करते हैं तो आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे बेटा, एक प्रॉपर बेहतरीन फॉर्म में आपको लाइव क्लास अरेंज करने का मौका मिलेगा। क्रैश कोर्स के थ्रू आपका बेहतरीन रिवीजन हो सकता है, वीकली आपके क्विजेस होते हैं, डॉट सॉल्विंग सेशन, और ये सारे फीचर्स के साथ में आप आइकॉनिक की तरफ मूव करते हो तो आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच और मेंटर का फीचर एक्स्ट्रा मिलता है, जहाँ पर आपकी बेहतरीन तरीके से स्टडी प्लानिंग होती है। जो भी आप पर्टिकुलरली वीक पॉइंट्स होते हैं उसके लिए स्टडी बूस्टर सेशंस अरेंज किए आते हैं। तो टेस्ट सीरीज आप अटेंड करते हैं तो वहाँ से आपके जो मिस्टेक्स हैं वो आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं, और PDF फॉर्म में पूरा का पूरा आपको मटेरियल मिल जाता है आइकॉनिक के अंदर। तो अगर आप यूज़ करते हैं प्लस आइकॉनिक, कोई भी प्लान अगर आप चूज करने जाते हैं तो आप चूज कर सकते हैं। प्लस में आपके पास में 5 बेसिक प्लान्स आते हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं। आइकॉनिक के अंदर आप बेसिक 3 प्लान्स आते हैं, इनको आप चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लस में अगर आपके पास अभी एक बेहतरीन जो आपके पास ऑफर चल रहा है 29,000 में आपको जो मिल रहा है 12+2 वाला, आप इसके थ्रू जा सकते हैं। सबसे मोस्ट इकोनॉमिक प्लान है, अगर आप चूज करते हैं तो मेरा कोड आप याद रखेंगे SKP 100। इस कोड के साथ अगर आप मूव करेंगे तो एक बेहतरीन फीलिंग के साथ में हम लोग मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि अभी तक अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करें तो अकेडमिक प्लेटफॉर्म पर मेरे को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से मेरे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं या फिर कोई भी आपका डाउट क्लियरिंग सेशन जो भी आपका है तो उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को आप रेफर कर सकते हैं। तो यूट्यूब के जितने भी आपके चैनल्स हैं वहाँ पर सारे टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, तो वो लोग भी अपना प्रिपरेशन यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।